जो वाक्य दोहराते रहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, वो बहुत जल्दी स्टारडम चाहते हैं, बहुत जल्दी फेम चाहते हैं हर जगह, और हर जगह वो ऐसे चौंकते हैं कि जैसे उन्हें पता नहीं, एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, रील बन रहे हैं, इंस्टा पे हैं, ट्विटर पे हैं। वक्त का ख्याल पुराने एक्टर्स में से ज़्यादातर, हालांकि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, और बहुत कमाल के एक्टर्स और शायद लेट आते थे तो उसकी भरपाई भी तुरंत कर देते थे क्योंकि वो इतने मजे हुए कलाकार होते थे, लेकिन देर से आने से प्रोड्यूसर्स का बहुत नुकसान होता है, निर्माताओं का। वो डिसिप्लिन अब आ गई, हर चीज़ अब कॉन्ट्रैक्ट में, स्क्रिप्ट, बाउंड स्क्रिप्ट मिलेगी, कब क्या शेड्यूलिंग वगैरह सब कुछ आपको पहले से मिलता है। और ओवर द ईयर्स पैशन, अगर आप में वो जुनून है काम करने का, तो वो पैशन जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो दौर ही होता है, वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। हर दौर की अपनी एक खामी रहती है या खामियां रहती हैं, और कुछ चीज़ें जो होती हैं बड़ी अच्छी होती हैं। तो इस दौर में भी बड़ी अच्छी चीज़ें, कुछ खामियां ये भी हैं कि इस दौर में जो बहुत सारे जो युवा कलाकार हैं वो बहुत जल्दी स्टारडम चाहते हैं, बहुत जल्दी फेम चाहते हैं। ओवरनाइट मुझे सब कुछ मिल जाए, मैं हर जगह दिख जाऊं, हर जगह प्रशंसा की जाए, रील बन रहे हैं, इंस्टा पे हैं, ट्विटर पे हैं, दिख दिख के परेशान है और लोग देख देख के परेशान हैं। एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, जिम से निकल रहे हैं, हर जगह, और हर जगह वो ऐसे चौंकते हैं कि जैसे उन्हें पता नहीं कि पहले से लोग हैं, हालांकि लोग उन्हीं के बिठाए रहते हैं। तो वो इस वजह से, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि, और ये एक अजीबोगरीब जो वाक्य दोहराते रहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। दिलीप साहब तो 3 साल में एक बार दिखते थे और वो सबसे ज़्यादा बिके। आमिर खान सबसे कम दिखते हैं और सबसे बेहतरीन कलाकारों में से हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो दिखता है वो बिकता है, मेरे ख्याल से जो बिकता है वो कम दिखता है। करेक्ट, करेक्ट सर। क्योंकि आपने उत्सव की बात की और मैं आपसे उत्सव के बारे में बात करना चाहूँगी। कल आप और रेखा मैम दोनों ही एक जगह पे थे, एक जगह पे एक साथ, और देखिए वक्त कैसे निकल गया। यस, वो मंजर तो मैं भूल नहीं सकता। वो पहला दिन जब मैं रेखा जी के साथ शूट कर रहा था, और वो दिन जब कल हीरा मंडी का उत्सव था। हाँ जी। और वो वक्त मुझे याद है, और आज भी यकीन नहीं होता है कि उत्सव में मैंने एक्चुअली एक नायक की भूमिका निभाई, जिसमें मेरी नायिका रेखा थी। और क्योंकि वो बहुत बड़ी अभिनेत्री उस वक्त, और उनके पास कोई ऐसी वजह नहीं थी कि वो एक नए सितारे के साथ काम करें। एक न्यू कमर के साथ एक बड़ी एक्ट्रेस क्यों काम करे, क्या वजह क्या है? उसे भी तो एक बड़ा सहारा चाहिए होता है, एक बड़ा हीरो चाहिए होता है। तो उन्होंने उसके लिए हामी भरी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शेखर के साथ काम करूंगी। शशि कपूर जी का मैं बहुत आभारी हूं, और गिरीश कर्नाड जी का, जिन्होंने मुझे वो रोल दिया, और उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। इन 3 लोगों की वजह से मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। तो मैं उनका आभार एक बार फिर से हर रोज़ प्रकट करता हूँ। आज एक बार फिर से आभार प्रकट करना चाहूँगा। तो बहुत खुशी हुई रेखा जी से मिलकर कल, इतने दिनों के बाद। और उन्होंने कहा कि तुम आप एक बेबी थे जब मेरे साथ आए थे कामेडी, वो जस्ट ए बेबी, आप बच्चे थे, और अब आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया है, ये कब हुआ, कैसे हुआ? इतना बढ़िया काम उन्होंने किया अध्ययन के लिए, और अध्ययन ने उनके पाँव छुए, उनका आशीर्वाद दिया, तो अच्छा लगा।